ये भगोड़ा का सीट सा ये देखिए, शेप में बिल्कुल मिर्च के बीज जैसे, थोड़े बड़े उनसे और मोटे। यह धतूरे का पौधा है जिसे मैं अभी अभी रोड साइड से निकाल के लेके आई हूँ, शायद एक महीने पहले उगा होगा। ये देखिए इसकी जड़ भी बहुत छोटी है, इसका मतलब ये ज़्यादा रूट नहीं होती है इसकी गहरी, और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। और अब मैं इसे अपने घर लगाऊंगी ये देखने के लिए कि इसकी आगे ग्रोथ किस तरह की होती है सीड बनने तक। यह धतूरे का प्लांट मैं करीब 20-25 दिन पहले कहीं से लाई थी, और अब ये इतना अच्छा हो रहा है। और ये देखिए इस पर बड्स आ रही हैं, फ्लावर बड्स, और ये खिलने वाला है। इस पे फूल आ रहे हैं, और ये एक एक छोटा फ्रूट भी लग रहा है, सीड पॉड। बीस दिन बाद ये सीड पॉड इस तरह का हो गया है, पकने लगा है, और भी लग गए हैं इसमें, लेकिन अब ये पकने वाला है और इसमें बीज बनेंगे। कभी भी फट सकता है। यह धतूरे का सीड पॉड अब पक चुका है, और 2-3 दिन में बीज सूख जाएंगे, फिर ये झड़ जाएंगे, और जहाँ गिरेंगे फिर अगले मौसम में गर्मियों सर्दियों के बाद ये उगाएंगे। ये गर्मियों में होने वाला एक पॉइजनस प्लांट है, मेडिसिनल भी है, लेकिन बच्चों वगैरह को इससे दूर रखना चाहिए, अगर बच्चे वो खा लेंगे तो ये नुकसान कर सकता है, करता ही है मतलब। ये धतूरे के सीड्स हैं, ये देखिए शेप में बिल्कुल मिर्च के बीज जैसे, थोड़े बड़े उनसे और मोटे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।